ये जो ना ऑक्टोपस जो होता है ना, जो पांच छह पैरों वाला जो है समंदर में, आप ये वो है। खैर ये तो मैं दिखा रहा हूँ, ये हम लोग तो खाते नहीं है इसको, तो यहाँ रखा हुआ है। ये जो है फिश वाले सेक्शन में हमने जो लिए फिश है वो लिए ये तिलापिया। ये तिलापिया फिश बड़ी जबरदस्त होती है। तो सवाई जो है ये मजेदार होती है। बाकी सामान लिया और आगे परचेज के लिए जा रहे हैं। बेकरी का सेक्शन है, बेगल वगैरह देखे, बेकरी सेक्शन है सारा। केक वगैरह ये सब रखे हुए हैं। सुबह के नाश्ते में ये सीरियल लेना बहुत जरूरी है, ये जरूर लेता हूँ दूध के साथ सीरियल। यहाँ एक हैबिट बन गई है सुबह के नाश्ते में, अंडा और दीगर चीजें जैम जेली के अलावा ये एक कप सीरियल भी लेता हूँ जरूर। ये पास्ता सॉस केचप इसका ये सेक्शन है। सारे टीन के डब्बों में सब चीजें यहाँ पर मिल रही है। ये श्रिम है लार्ज वाले, एट फोर नाइन का लार्ज और श्रिम। लार्ज 17.98 का है और ये वाला जो है ये $8.49 का है ये वाला। ये बहुत अच्छे श्रिम होते हैं। ये श्रिम भी ले लिया, ये लार्ज वाला लार्ज कुक श्रिम ये भी परचेज कर लिया है। आगे देखते हैं आगे क्या खरीदारी करते हैं हम। ये अंडों का सेक्शन है, टिश्यू पेपर वगैरह। वेजिटेबल ऑयल वेंसन का है, $7.99 का है ये। 12 तकरीबन $5 इसके अंदर ऑफ है, ये $13 का हुआ करता था ये। तो ये इस वक्त ये रियायत में दे रहे हैं $7.99 में वेंसन का जो, तो इसलिए दो ये भी परचेस कर लिए हैं। $7.99 यानी $8 का ये था, ये परचेज किया $8 का एक, तो दो लिए 16 के, जबकि ये इसमें $5 रियायत है। $13 का हुआ करता था मगर आजकल इसमें $5 रियायत है, तो हमने दो ये परचेज कर लिए हैं। ये 60 लार्ज अंडे वाला पैकेट भी ले लिया है, इसमें 60 अंडे हैं
लार्ज फिगर ये ले लिया है। ये पैकेज अच्छा है एक तरह से, $13 का समुद्र है ये, 12.99 एक पाइप बाकी है तो 13 ही समझ लो इसको, 13 का है तो ये मेरे ख्याल में सही है। लेकिन इसमें 60 अंडे जो है इसकी जो एक्सपायरी है अभी एक महीना तक बाकी है, एक महीने में 60 अंडे देखे खाने पड़ेंगे, ये भी एक टारगेट है एक तरह से, क्योंकि एक्सपायर होने में एक महीना बाकी है अंडे में। चलो लेते हैं अंडे का हलवा, हलवा बना लेंगे। सामने जो ना सेल्फ चेकआउट है, आप खुद ही आप अपनी चीजों को खुद ही मकसद है कि स्कैन करें और पेमेंट कर दें, या कोई नहीं है इनका स्टाफ का आदमी, ये सेल्फ चेकआउट है, अपने हाथ से ही अपनी चीजें स्कैन करें और कार्ड के जरिए पेमेंट करें चले जाएं। बाकी जो है इस तरफ जो है ये सब कैशियर वगैरह मौजूद है ये वाले साइड पे, ये 26, 27, 28, 29, 30 ये सेल्फ चेकआउट है। पिज्जा का सेक्शन है सारा, पिज्जा जितने भी हैं मुख्तलिफ जायकों के मुख्तलिफ कंपनियों के ये पिज्जे हैं। देखें हम ज्यादातर चीज पिज्जा लेते हैं क्योंकि हलाल की वजह से, बाकी जो चिकन और मीट और ये हम लोग नहीं लेते, सिर्फ चीज का लेते हैं। वेजिटेबल जो अगर हो जैसे ये वेगी ग्लोब, ये जो क्योंकि वेजिटेबल के बने होते हैं इसमें हलाल वगैरह का तो मसला नहीं रहता, तो ये ज्यादातर अपने हम जितने मुस्लिम लोग हैं वो ज्यादातर ये इसको हलाल पीस है, ये वेजिटेबल वगैरह के और ये ले लेते हैं पीस है। ग्लूटेन फ्री भी लिखा हुआ है इसमें, देखिए ये भी देखना होता है कि ग्लूटेन फ्री है, मगर ये खुद भी लिख देते हैं कि भाई ग्लूटेन फ्री है, हर पिज्जा पे इन्होंने लिखा हुआ है ग्लूटेन फ्री है। यस प्लीज, ये जो अपने चिप्स वगैरह जो है ना ये देखिए कटे हुए चिप्स जो है सरिये पे है, ये तरह तरह के चिप्स जो है मुख्तलिफ तरीके से ये सारे यहाँ मौजूद है, क्रिंकल भी है वो सारे क्रिप्स ही, और ये सिर्फ ये कि इसके बाद आपको तलने हैं और यूज करने हैं सब। नेचुरल और ऑर्गेनिक ये सारे डिनर की चीजें हैं। क्लब साइज वेजिटेबल वेजिटेबल बहुत ज्यादा माल परचेज कर लिया है, फिर मैं आपको इसके बताऊंगा कि कितने डॉलर का माल परचेज किया है। कल $2 से माल परचेज किया है, यहाँ किसी जगह भी जाओ $150-$200 से कम सामान आप ग्रोसरी नहीं कर पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि ये सारा सामान मिल जाए कितने डॉलर का है। अभी जो कि चेकआउट पे हम आ गए हैं या पेमेंट कर रहे हैं सारे सामान का, फूड पेंट्री का जो सेक्शन है जो कि डोनेशन देना चाहे जो गरीब लोगों को जो दी जाती है तो यहाँ रख देते हैं फूड पेंट्री, जो भी कुछ देना चाहे। पार्सिपनी गर्ल स्काउट ट्रोप जो है थैंक यू उनकी तरफ से, जो भी आपको ऐसे सामान देना है फूड पेंट्री के लिए डोनेशन में या जो भी चीज देनी है तो इसमें आप रख दें तो फिर ये लोग ले जाएंगे यहाँ से ना, और फिर जो हंगरी लोग जो हैं गरीब लोग हैं उनको प्लीज हेल्प फाइट हंगर इन पार्सिपनी, ये पार्सिपनी का एरिया है तो यहाँ जो है यहाँ पे दे दिया जाता है। देखिए लोग यहाँ डाल जाते हैं मुख्तलिफ चीजें जो मौजूद है यहाँ पे, देखें